क्यों आज अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक के साथ प्रेजेंट है। जैसे कि अपने ने प्रीवियस वीडियो में यह देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म निकल आया था जब अपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में अपने ने यह देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू था ईटा से, जिसको अपने रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। और उसके लिए अपने ने कुछ फॉर्मूलाज भी अपने ने देखे थे, जैसे कि ईटा इज इक्वल टू क्या देखा था अपने ने, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आई, राइट। और मैंने उस समय आपको ये बोला था कि थीटा आई और थीटा आर कोई भी चेंज हो, अगर थीटा आई में चेंज आएगा तो ऑफकोर्स थीटा आर में तो चेंज आना ही है, ठीक है। अपने ने ये देखा था थीटा आई में चेंज आएगा तो थीटा आर में तो चेंज आना ही है, बट अपने को कांस्टेंट क्या रखना था, जैसे कि यहाँ पे एयर मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पे अपना वाटर मीडियम है, तो एयर और वाटर ये अगर मीडियम अगर आप सेम रखते हो और यहाँ पे जो एंगल है वो सपोज चेंज करते हो, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो सपोज चेंज करते जाते हो तो जो अपना रिफ्रेक्शन एंगल है वो भी चेंज होता जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से अपने ने ये देखा था, बट यहाँ पे थीटा है और थीटा आर की जो भी वैल्यू में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम अगर आपने कांस्टेंट रखा है तो ये जो ईटा की वैल्यू है वो भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये अपने ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, राइट। और इसको अपने बोलते थे स्नेल्स लॉ। और ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे तब अपने ने एक वर्ड टर्म एक टर्म के बारे में अपने ने डिसाइड किया था जिसको अपने बोल रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इस वीडियो में अपने डिटेल स्टडी करते हैं, बट उसके लिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में अपने को जो पता था उस चीज को थोड़ा सा रिमाइंड इसलिए किया, यानी आपको ये टॉपिक पढ़ते वक्त कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। जैसे कि अपने ने ये देखा था कि ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा था थीटा है और यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा था थीटा, तो ये जो बैंड हुआ है, ये बैंड हुआ है या डिविएट हुआ है, ठीक है, ये कितना बैंड हो रहा है या कितना डिविएट हो रहा है वो चीज को मेजर करना था अपने को, तो उसके लिए अपने पास एक टर्म निकल आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। जैसे कि अपने ने ये बोला था ये मीडियम जो है वो रेयर मीडियम और ये मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम, क्लियर। तो ये जो रेयरर मीडियम है वो रेयरर इसलिए क्योंकि ऐसा समझ सकते हो कि वहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही रेयर है, मॉलिक्यूल्स वहां बहुत ही रेयर है। एग्जांपल वैक्यूम ले लेते हैं अपने या तो फिर एयर कंसीडर कर लेते हैं, वहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही मतलब कैसा है, उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, तो जब लाइट ट्रैवल करता है एक्चुअली तो बहुत इजीली ट्रैवल कर जाता है, इसीलिए वहां पे लाइट की वेलोसिटी जो है वो कैसा है, बहुत हाई होती है। बट अगर ये डेंसर मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या था अपना एयर सपोज कंसिडर किया था, तो इसको वाटर ले लेते हैं या तो ग्लास लेते हैं, अब ये कैसा है लिक्विड है, ठीक है, और ये कैसा है सॉलिड है, तो दोनों में जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे होंगे, या तो एकदम क्लोजली पैक होंगे, राइट, या तो थोड़ा सा मतलब ये लिक्विड के लिए और ये सॉलिड के लिए। बट जबकि अपने एयर कंसीडर करते हैं तो एयर में तो आप देख सकते हो कि गैसेस टाइप मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा, तो लाइट जब ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे रस जो है डेंसिटी जो है मॉलिक्यूल्स के वो बहुत कम होती है, इसीलिए ये मीडियम को रेयरर बोला जाता है और ये मीडियम को डेंसर, क्योंकि वहां पे डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक सिंगल यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होता है, तो जब लाइट ट्रैवल करता है तो उसको डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे आ जाते हैं, जिसके वजह से उस मीडियम को डेंसर मीडियम कहा गया, और वहां पे लाइट को दिक्कत आती है ट्रैवल करने में, दिक्कत आती है जिसके वजह से वो इजीली प्रोपोगेट नहीं कर पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो वो क्या करता है बेंड होता जाता है, उसके एंगल्स जो है वो बेंड हो जाता है, और ये बेंडिंग इसलिए आया क्योंकि उसकी स्पीड में चेंज आ गया। मैंने आपको बताया था बाइक का एग्जांपल लेके कि अगर जहां रस है वहां पे मुझे बाइक चलाना है और जहां एक फ्री स्पेस है वहां बाइक चलाना है, तो दोनों में मेरे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और इस तरीके से जो सडन चेंज आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट में उसके वजह से क्या होता है बेंडिंग होता है, मतलब डिविएशन आ जाता है लाइट के प्रोपोगेशन में, क्लियर। और उस फिनोमिना को अपने क्या बोलते थे रिफ्रैक्शन, क्लियर हुआ। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में अभी अपने ने जो डिस्कस किया रिफ्रैक्शन टॉपिक में, वो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, कितना चेंज आया, कितना डिविएट हुआ, कितना बेंड हुआ, इस चीज को मेजर करने के लिए जो अपने पास पैरामीटर है जो टर्म है उसी को तो बोलते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर हुआ। तो मैंने अभी तक जो आपको समझाया प्रीवियस लेक्चर में, आप ऐसा सोच रहे होंगे सर आप ये पूरा रिपीट क्यों कर रहे हो, रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो टर्म को इंडिकेट करना था, और प्रीवियस लेक्चर में कुछ भी अगर आपके डाउट्स रह गए हो तो वो भी यहां क्लियर हो जाए,
क्लियर। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, वैक्यूम या एयर में जब लाइट ट्रैवल कर रहा था तो उसके कंपैरिजन में, उस वेलोसिटी के कंपैरिजन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम, मतलब कि जब एक मीडियम एयर या वैक्यूम से लाइट जब डेंसर मीडियम मतलब दूसरे मीडियम में आया तो उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है एक्चुअली वो कितना है, वो कोई भी चीज का कितने कंपैरिजन करना हो किसी को भी किसी के साथ के कितना चेंज आया, कितने टाइम्स चेंज आया, तो उसको अपने किस तरीके से निकाल पाएंगे? रेशियो के थ्रू। तो इस रेशियो के थ्रू जो चेंज की वैल्यू आती है उसको अपने क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद है? क्लियर। तो पहले क्या था स्नेल्स लॉ, वो क्लियर हो गया। रिफ्रैक्शन क्या था, वो क्लियर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो क्लियर हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये लाइट इन वैक्यूम उसकी वैल्यू तो अपने को पहले से पता है, क्या है? बचपन से अपने पढ़ रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.999, मतलब उसको अप्रोक्सीमेटली अपने क्या लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो एयर या वैक्यूम में। क्लियर हो गया। बट अगर वो कोई भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम, तो कोई भी मीडियम के साथ अगर मैं उसको कंपेयर करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा एक्चुअली वो आंसर को अपने क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको इंडिकेट करते हैं अपने म्यू से भी इंडिकेट किया जाता है, म्यू यू जैसे लिखना है उसको, ठीक है, एम और यू का कॉम्बो, इसलिए उसको म्यू बोलते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। म्यू म्यू से भी इंडिकेट करते हैं एज वेल एज ईटा, किससे बोलेंगे? ईटा। ईटा को कैसे याद रखोगे? छोटा एम, ऐसे याद रखने का, एम एम, बट एम का पैर जो है वो लंबा कर देना आपको, दैट्स इट, ठीक है, उसको अपने क्या बोलेंगे? छोटा एम। क्लियर हुआ यहां तक आपको? सब कुछ समझ में आया। अब उसके बाद अपने टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन के बारे में, क्योंकि कभी कभी क्या है डिराइव स्नेल्स लॉ करके क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 मार्क्स में भी। तो आइए अपने देखते हैं कि स्नेल्स लॉ को कैसे डिराइव करते हैं। स्नेल्स लॉ में अपने ये देखा था कि जो अपना एग्जांपल ईटा जो था, ठीक है, और यहां पर हमने लिखा था साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, राइट, क्लियर, यहां तक अपने ने देखा था। तो आप नोट डाउन करो ये अपना डायग्राम था, क्लियर, और ये नॉर्मल आप याद रखिएगा, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताना रह गया था कि ये जो साइन है मैंने एक्चुअली सिर्फ साइन ही क्यों यूज किया, ठीक है, ये साइन ही क्यों यूज किया, क्योंकि अपने ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म होता है मैथ्स में उसमें कॉस आ सकता है, ठीक है, टैन कॉट कितने सारे अपने पास ऑप्शंस, तो सिर्फ साइन ही क्यों, तो ये जो था वह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड वाला लॉ था, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, तो ये साइन ही क्यों, साइन इसलिए क्योंकि ये सपोज ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो वाई एक्सिस ऐसा समझो कि वाई मतलब नॉर्मल, ठीक है, तो वाई एक्सिस के साथ कोई भी कभी भी कोई भी एंगल बनाता है तो उसको अपने साइन, ठीक है, वो एंगल को अपने कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ जोड़ेंगे? हमेशा साइन, और एक्स एक्सिस के साथ कभी भी कोई भी टर्म बनेगा एक्स एक्सिस के साथ तो क्या यूज करेंगे? कॉस, और यहां पे क्या यूज करेंगे? साइन, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको। अब थीटा आई मतलब ये एंगल अपना इंसिडेंस था, ये इंसिडेंट रे था, तो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये बेंड होने के बाद वापस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको अपने क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर, उसको अपने क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर, तो ये भी क्या है? नॉर्मल y एक्सिस के साथ ही उसने भी एंगल बनाया, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? sin थीटा आर। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, अब मैं इसको मीडियम 1 बोलूं, ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, क्लियर, और ये जो है ये मेरा सेकंड मीडियम है, तो ये मेरा फर्स्ट मीडियम है और ये मेरा सेकंड मीडियम है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इसमें थोड़ा चेंज ऐसा ला सकता हूं कुछ, इसको मैं थीटा 1 बोलू और इसको मैं थीटा 2 बोलू, क्योंकि कौन से मीडियम में आ रहे? सेकंड मीडियम में, इसलिए उसको थीटा 2 बोल दिया, या थीटा, और ये फर्स्ट मीडियम है यानी इसको थीटा 1 बोल दिया, राइट। अब मुझे ऐसा जानना है कि ये जो एन जो है, एन मतलब ईटा जो है, उसको मुझे फर्स्ट और सेकंड मीडियम के विद रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे क्या लिखूंगा? हमेशा जो भी डिनोमिनेटर में होता है, हमेशा जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको हमेशा पहले लिखना है, क्लियर। तो क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का,
कितना वेलोसिटी में चेंज है, वेलोसिटी में कितना चेंज है, किसके रेस्पेक्ट में, सेकेंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट में कितना चेंज है। तो अपने उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, मतलब कि सेकेंड में कितना चेंज है विद रेस्पेक्ट टू वन, वन के रेस्पेक्ट में कितना टू में चेंज आया, मतलब फर्स्ट मीडियम से एंटर हुआ, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट मीडियम से आया बट सेकेंड में अंदर एंटर होते वक्त कितना चेंज आया, कितना डिविएट हुआ, कितना बेंड हुआ, उसी को तो अपने क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए अपने उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक आपको। अब ये जो N21 है गाइस, अब ये जो N21 है उसको मैं N बोल रहा हूँ, बार बार रीटा ना बोलना है इसलिए। ये जो N21 है, ये जो अपना बना, ये स्नेल्स लॉ को एक्चुअली डिराइव करना है। तो कैसे डिराइव करेंगे, तो अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो अब ये पढ़ने के लिए अपने को टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को देखना है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी करने के लिए मैं एकदम छोटा सा डेफिनेशन को मैं अभी आपको यहां पर बताते हुए चलता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एन भी बोल सकता था, राइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को अपने इंडिकेट करते हैं सी से, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम को मैं इंडिकेट कर सकता हूं वी से। तो मेरे पास जो नया टर्म निकल के आया है वो क्या है, n equal to c by v, c means compulsory क्या हो गया, velocity of light in vacuum, और v means क्या हो गया, velocity of light in any given medium। तो इसको अपने बोलते हैं refractive index। मतलब कि अगर आप इंडिविजुअली, अगर मुझे ये मेजर करना है इंडिविजुअली कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे जानना है तो मैं यहां पे एयर मीडियम रखूंगा और यहां रखूंगा वैक्यूम। तो वैक्यूम से ट्रैवल हुआ, एयर में बैंड हुआ, तो एयर में कितना बैंड हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, एयर इन ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है, तो एयर में कितना बैंड हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो अपने को जो मिलेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या मिला, एयर। क्लियर हुआ। वैसे आप एक एक करके फाइंड करो, एयर के बदले मैंने रख दिया यहाँ पे सपोज ग्लास, तो यहां पे भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ग्लास में कितना चेंज है। फिर उसके बाद मुझे और किसी का सपोज जानना है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने डायमंड रख दिया, तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में डायमंड में कितना चेंज है। इस तरीके से आप किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या एयर के रेस्पेक्ट में आप किसी भी मीडियम का चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ओके, उसमें लाइट ट्रैवल करता है तो विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम कितना बेंड करता है, उसी को यहां बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे मीडियम को, दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल या प्रोपोगेट करता है तो विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम उसके अंदर कितना डिविएशन आता है, कितना बैंड आता है, उसी को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहां पे एक पर्टिकुलर चीज को फिक्स कर दिया है और उसको विद रेस्पेक्ट टू अपने को एनी मीडियम के साथ कंपेयर करके डिविएशन चेक करना है। क्लियर हुआ यहां तक। तो टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक आपको पता चल गया। अब यही एक जो अपने पास पैरामीटर आया है उसी को लेके अपने स्नेल्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। इट इज सो इजी, ठीक है। चलो अपने डिराइव करते हैं। तो ये जो n इक्वल टू c बाय v अपने पास निकल आया लास्ट में, अपने पास क्या निकल आया, n इक्वल टू c बाय v। बस अब इसको आप देखते हुए चलिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट मीडियम भी निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, n वन इक्वल टू सी बाय वी वन, फर्स्ट मीडियम के लिए कोई भी मीडियम हो सकता है, अपने जनरल निकाल रहे हैं, राइट। वैसे मैं एन टू इक्वल टू क्या लिखूंगा, सी बाय वी टू, राइट। यहां तक ओके। एन वन एन टू का मतलब इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम निकाला, वैसे इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम निकाला, मतलब दोनों की वेलोसिटी वन की और वेलोसिटी टू की अपने ने बात कर ली। अब यहां पे मुझे क्या करना है एक्चुअली, अब मैं इसी का स्नेल्स लॉ लिखूंगा, तो इन दोनों के हिसाब से मैं जब स्नेल्स लॉ लिखूंगा और उन दोनों को कंपेयर करूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं, एन वन, मैं वापस लिख रहा हूं आपके लिए, एक मिनट, एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू, ये हुआ आपका स्नेल्स लॉ। मतलब कि जो भी यहां पे एन वन बना,
क्या बना अपना एन वन, एन वन मतलब कि एन वन की मतलब फॉर एग्जाम्पल ये अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिला विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम फर्स्ट के लिए। वैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मिला दूसरा सेकंड के लिए। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट और सेकंड तो अपने को मिल गया। अब इसको मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? साइन थीटा 1। इसको मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? साइन थीटा 2। तो एन वन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा 2, तभी तो रेशियो निकलेगा। इक्वल करना मतलब तभी तो रेशियो निकलेगा। जैसे कि अब इसको और आगे बढ़ाते हैं अपने, ठीक है। जैसे यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन अपॉन साइन थीटा 2, ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर हो? साइन थीटा 1 को वैसे का वैसे रखा, साइन थीटा 2 को नीचे ला दिया और एन वन को यहां पे नीचे ला। तो इस तरीके से ये क्या निकला, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल टू एन टू बाय एन वन। अब ये जो एन टू बाय एन वन है, ठीक है, एन टू बाय एन वन, तो इसी को भी तो अपने बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। एन टू बाय एन वन को अपने क्या बोलते हैं? थीटा। क्लियर हुआ यहां तक आपको? सबको समझ में आया? अब ये ईटा को विद रेस्पेक्ट टू अपने क्या बोलते हैं वो अभी अपने देखते हैं जस्ट थोड़ी देर में, कि ये ईटा को अपने कैसे बोलते हैं। तो यहां पे क्या आएगा और ये कैसे क्लियर होगा? तो अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन, और एन टू क्या था मेरा? सी बाय वी टू। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सी बाय वी टू, और एन वन क्या था मेरा? C by V1। क्लियर हुआ? तो आप देख सकते हो कि यहां पे क्या हो जाएगा, C C क्या कैंसिल, V1 ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? V1 by V2। यहां पे क्या लिखूंगा? V1 by V2। और ये सब चीज को अपने इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कांस्टेंट दैट इज ईटा ही बोलते हैं, कि सबके सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो ये जो ईटा है ये V1 है और ये V2 है, तो यहां पे ईटा क्या आएगा? तो देखो आप यहां पे 1/2 मतलब उसको अपने क्या लिखेंगे? ईटा 2/1। ईटा 2/1। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको आप कैसे याद रखोगे? और जबकि यहां पे आप नोट डाउन करो, ये n2/n1 है और यहां पे v1/v2 है, तो एक में 2/1 है, एक में 1/2 है। तो उसको अपने किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहां? कैसे अपने को पता चलेगा ये क्या है? तो अपने यहां पे लिखेंगे n2/1। क्लियर? इसको अपने कैसे लिखेंगे? n2/1। मतलब आपको हमेशा ऐसे याद रखना है, जो लास्ट में है वो नीचे आएगा, जो लास्ट में है वो नीचे आएगा। किसके लिए? बड़े ईटा से छोटे छोटे एन तक लाना हो, बड़े ईटा से छोटे एन तक लाना हो, तो जो भी हमेशा विद रेस्पेक्ट टू जो होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है वो बाद में लिखना है और जो न्यूमरेटर में है उसको पहले लिखना है। यानी n2/1 जो है वो क्या है? n2/n1। बट n2/1 जो वेलोसिटी में है वो क्या है? यहाँ पे जो वेलोसिटी में है वो क्या है? जो बाद में है, मतलब जो पीछे है वो अपना न्यूमरेटर, और जो आगे है वो क्या है? डिनोमिनेटर। तो दिस इज द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि ये आपको याद रहना चाहिए। क्या? n2/1 तो जो लास्ट में है, ठीक है, बड़ा एन टू वन मतलब ईटा 2/1, मतलब जो लास्ट में वन लिखा है वो हमेशा कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में, और जो आगे टू है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट याद रखोगे तो न्यूमेरिकल में बहुत ही इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, वरना बार बार अपने को पूरा डिराइव करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे एन टू वन जो है वो क्या आएगा? वेलोसिटी के रेफरेंस में। ये किसके रेफरेंस में था? एन टू बाय एन वन के, मतलब इंडिविजुअल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अगर मुझे जानना हो, तो जो पीछे है, पीछे जो नंबर है वो नंबर हमेशा न्यूमरेटर में, और जो आगे जो नंबर है वो हमेशा डिनोमिनेटर में। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है पता चल गया, स्नेल्स लॉ कैसे डिराइव करना है वो पता चल गया, रिफ्रेक्शन क्या था, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब अपने लास्ट और छोटा और इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो ये जो अभी अपने ने स्नेल्स लॉ के रेस्पेक्ट में जो फाइंड किया उसको अपने बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। मतलब एब्सोल्यूट के मदद से अपने क्या फाइंड कर रहे हैं? रिलेटिव, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि अपने ने यहां पे एब्सोल्यूट का यूज किया। तो रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल
अपने किसी रिलेशन की बात करते हैं तो ये रिलेशन वर्ड क्यों आता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी का सन हूं तो मैं किसी का ब्रदर भी हूं और मैं किसी का सर भी हूं, तो ये सब कुछ कैसे पता चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ सम रिलेशन, है ना। वैसे ही यहां पे भी अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या मतलब? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी दो मीडियम को अपने रिलेट करते हैं, और जबकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि सिर्फ एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर आप उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हो तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कोई भी दो मीडियम को अपने रिलेट कर सकते हैं, कोई भी दो मीडियम को अपने रिलेट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अपना जो टॉपिक आता है उसको अपने क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पे V1 बस इतना ही लिखा है मैंने, यहाँ पे एयर वाटर ग्लास ऐसे किसी को भी, जैसे कि यहाँ पे एयर को विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, एयर को विद रेस्पेक्ट टू वाटर, एयर को विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, ग्लास को विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, इस तरीके से आप किसी को भी किसी के साथ भी रिलेट करके उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है उसका रेशियो फाइंड करेंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा उसको अपने बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट व्हाट दिस टॉपिक वांट टू से। So, thanks for watching this video.